दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर निगम ने तैयारी पूरी कर ली है, जिसके संबंध में नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि दीपावली पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए महानगर के 70 वार्डों में नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है। सभी अधिकारियों को अपने अपने वार्डों को साफ सुथरा रखने के लिए निर्देशित किया गया है, जिसको देखते 6 तारीख तक विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि संचारी रोग के नियंत्रण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर निगम का प्रयास है कि जगह जगह घाटों को तिरंगा लाइटों से सजाया जाए और घाटों को साफ सुथरा रखा जाए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह ने कहा, दिवाली को लेकर कितने क्या तैयारी कर चुके? धनतेरस और दीपावली के शुभ मौके पर मैं अपने शहर के समस्त सम्मानित नागरिकों को शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और ईश्वर से प्रार्थना भी करूँगा कि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी सभी के जीवन में प्रकाश फैलाएं, उनके घरों में आर्थिक समृद्धि लाएं और सभी लोग धन्य धान से परिपूर्ण हों। नगर निगम ने अपने, जैसा कि हमेशा वो त्योहारों के सीजन में होता है, हमने 70 वार्डों में नोडल ऑफिसर्स की तैनाती की है, खास तौर से जो सफाई व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए एक आदेश कल से निकाला गया है कि हम लोग 1 तारीख से लेकर और 6 तारीख तक एक विशेष सफाई का महाअभियान चला रहे हैं, जिसमें लगातार सफाई चलती रहेगी और कोशिश की जाएगी कहीं पर भी गंदगी न रहे, जो चूना मेलाथियन का छिड़काव होता रहे, फॉगिंग होती रहे, एंटी लार्वा का छिड़काव होता रहे, क्योंकि इस वक्त जो है हमको ये भी संचारी रोगों पर भी नियंत्रण बनाए रखना है। तो इन सब चीज़ों को लेकर एक विशेष महाअभियान चलाया गया है जो कि 6 तक चलेगा, क्योंकि 4 के बाद भी हमारा भैया दूज का त्यौहार है, गोवर्धन पूजा है, उस पर भी हमको पूरा तरह से फोकस करना है। इसके बाद 10 तारीख से हमारा छठ का पूजन भी स्टार्ट हो जाएगा, छठ को 10 तारीख को, तो हम लोग को उसकी भी पूरी तैयारी करनी है। तो इसीलिए नगर निगम की पूरी टीम को गिरफ कर दिया गया है और हम लोगों ने पूरे शहर को एक प्रयास किया है कि सुंदर तिरंगी लाइटों से उसको सजाया जाए। जगह जगह हम लोगों ने जितने घाटों पर सफाई चल रही है, घाटों पर हमारी वेदियाँ बनाई जा रही हैं और जो इधर के जितने भी 10 तारीख तक के जो सभी त्यौहार हैं सभी को ध्यान में रखते हुए पूरे जितने हमारे जोनल अफसर हैं, हमारे जो जोनल सेंट्री इंस्पेक्टर हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, सभी को अलर्ट कर दिया गया है और उनको पूरे घंटे की सभी की छुट्टियां कहा गया कि भाई अति आवश्यक कोई बात हो तभी छुट्टी ले, अन्यथा के स्थिति सभी लोग फील्ड में रहें। तो हमारी तैयारियां पूरी हैं और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है।